गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एज आई कैन सी साइको किलर, गुड मॉर्निंग संदीप कुमार, गुड मॉर्निंग श्रेया दुबे जी, हेलो। सो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज तो यार मतलब मौसम ने एनसीआर में तो मतलब बहुत जबरदस्त मौसम हो चुका है, लेकिन मौसम चाहे जैसा भी हो हमारा करंट अफेयर्स नहीं रुकना चाहिए और उसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स के मिजाज का आज जरा हाल लेंगे, राइट? तो एक बार जो है शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि फटाफट से जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। और कमला देवी जी, गुड मॉर्निंग कमला, गुड मॉर्निंग, राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें जो हमारे एग्जाम में पूछ सकती हैं। ठीक है, रोज लगती है मतलब जी 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 संदीप, कल सी रोज क्लास लगती है। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे डेली क्लास होती है हमारी। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, सो आई कैन सी 15 पीपल आर है। ठीक है, तो हम शुरू कर सकते हैं अपनी क्लास, बिना टाइम गवाए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, अपना करंट अफेयर्स एनालिसिस, मैं हूं आद्या आपकी फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, राइट। प्रिपरेशन इज ऑन द वे, वेरी गुड साइको किलर, वेरी गुड। ठीक है, गुड मॉर्निंग मनीष, गुड मॉर्निंग अरविंद, गुड मॉर्निंग, राइट, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक अड्डा की ऐप नहीं डाउनलोड की है तो प्लीज कर लो, क्योंकि ये इकलौता ऐसा स्पॉट है जहां पर आपको तमाम जानकारियां मिलती हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, वेदर इट इज क्विजेस, वेदर इट इज सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, वेदर इट इज पावर कैप्सूल्स। तो जो भी चीजें हैं आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ, स्टडी मटेरियल, डेली क्विज, मैगजीन, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिलता है, कहां पर? अड्डा की ऐप पे। और इसके साथ साथ अड्डा की ऐप के और भी बड़े खूबसूरत फीचर्स हैं, लाइक जब आप कोर्सेज लेते हो तो आपको मिलता है एक मेजर डिस्काउंट इफ यू बाय दीज कोर्सेज फ्रॉम अड्डा की ऐप। ठीक है, तो इसको अगर नहीं डाउनलोड किया है तो फटाफट से कर लो। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द मॉर्निंग फाउंडेशन बैच जो कि हमारा चल रहा है, जिसमें आज सुबह जो है क्लासेस भी हो रही हैं, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लासेस होती हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपको एनरोल करना है इसमें तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अभी 19 तारीख से ही ये बैच शुरू किया गया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, अड्डा की वेबसाइट पे जा करके इस कोर्स पे जाना है, कोड यूज करना है 2573, पहले आपको फीस दिखा रही होगी लगभग 42,000 और कोड यूज करते से आपको फीस हो जाएगी 9,659, राइट। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स एनालिसिस में। और आज की दिन की सबसे पहली खबर है दिन के हिसाब से, ठीक है, कि कौन सा दिन क्या होता है। गुड मॉर्निंग विमल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग विमल जी, ओके। तो अगर आप देखो तो आज 22 सितंबर है, राइट। जो न्यूज़पेपर भी हमारा आता है उसमें क्या होती है चीजें, द हिंदू में अगर हम उठाएं तो कल के जो भी मेजर इवेंट्स हुए होते हैं वो, है ना। तो कल जो है यानी 21 सितंबर को क्या था, कल था इंटरनेशनल पीस डे या इंटरनेशनल डे ऑफ पीस अगर हम कहें तो। यूएन वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस को आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस जो है उसने जो है वो इसको फॉर्म किया था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के नाम से। ठीक है, ये हमारे दो शांति के दूत सफेद कबूतर है ना, ये जो है प्रतीक है किसके, शांति के, राइट। तो 21 सितंबर 2022 को ये मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानना है, प्रीलिम्स में अक्सर पूछ देता है, स्पेशली अगर हम स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार पूछ देता है, राइट। तो कि यार आखिर एम क्या है, आखिर मुद्दा क्या है, क्यों मनाते हैं हम इंटरनेशनल पीस डे? तो देखिए, इंटरनेशनल पीस डे इसीलिए मनाया जाता है सो दैट जितने भी एफर्ट्स हुए हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की, समस्याओं को खत्म करने की, मतलब जो मतभेद है उनको खत्म करने के लिए, ठीक है, एक तो उन एफर्ट्स को जो है रिकॉग्नाइज किया जाए, और दूसरा होता है कि भाई दुनिया में क्या प्रमोट हो, पीस प्रमोट हो, शांति जो है उसका प्रचार प्रसार रहे। ठीक है, इसलिए मनाते हैं हम क्या, अपना इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। क्लियर है क्यों मनाया जाता है? ठीक है, पहली बार जो है इसको कब मनाया गया था, 1982 में, सितंबर में 21 सितंबर 1982 को पहली बार इसको मनाया गया था। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और सितंबर 92 में हुआ, फिर उसके बाद 2001 में जो हमारी यूएन जनरल असेंबली है, ठीक है, क्या है, यूएन जनरल असेंबली,
इंटरनेशनल अफेयर्स की क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। कलेक्टर अभिराम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो 2001 में जो हमारी यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उन्होंने एक रिजोल्यूशन जो है अडॉप्ट किया था इसके तहत, ठीक है। क्या था वो रिजोल्यूशन, ठीक है, और उस रिजोल्यूशन को इतने उससे जो अडॉप्ट किया गया था कि भाई 21 सितंबर जो है उसको हम मनाएंगे एज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर। यानी कि 1982 में, 1982 में, कब, 1982 में पहले जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सितंबर में, ठीक है, जिसको हम हिंदी में सितंबर भी कहते हैं, तो 1982 में सितंबर माह को ही इंटरनेशनल पीस के नाम पर मनाया जाता था। हालांकि कोई एक दिनांक या कोई एक डेट फिक्स नहीं थी, ठीक है, कोई एक दिनांक नहीं दिया गया था, राइट भाई। अगर आप कोई एक डेट दे दोगे, कोई एक डे बना दोगे, तो ना लोग मनाएंगे पीस डे, अदरवाइज तो पूरे महीने को ही मनाते रहेंगे, है ना। तो पहले क्या था, पहले पूरा महीना मनाया जाता था, मतलब सितंबर महीने को जो है ऑब्जर्व कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन 2001 के बाद से 21 सितंबर का दिन जो है वो तय हुआ कि भाई इस दिन को हम इंटरनेशनल पीस डे के नाम से मनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इनका थीम क्या है, थीम एक ही है कि भाई रेसिज्म को हमें खत्म करना है और शांति को बढ़ावा देना है, ठीक है। रेसिज्म का मतलब क्या होगा बताइए, हिंदी में हम रेसिज्म को क्या कहेंगे, कोई बता सकता है मुझे। एक बहुत ही तगड़ा शब्द है रेसिज्म के लिए, ठीक है। रेसिज्म का मतलब है जातिवाद, ठीक है, कि यार जातिवाद को हमें खत्म करना है और शांति को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये जो है इनका पीस था, क्या था, सॉरी थीम था, क्या था, जातिवाद की समाप्ति, ठीक है, और शांति का प्रसार। ये इनका दो आपका इंटरनेशनल पीस डे का थीम था, थीम याद रखिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग रमनदीप, गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग रंग भेद, वेरी गुड, ठीक है। तो भेदभाव, अनइक्वालिटी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसी चीज को जो है हमें खत्म करना था और क्या करना था, शांति का प्रसार करना था, ये इनका थीम है, ठीक है। सिर्फ यही दो तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, भारत की पहली लिथियम सेल पौधा, भारत में पहली बार लिथियम सेल पौधा लाया गया, यानी कि लिथियम सेल प्लांट जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की फैसिलिटी को लगाया गया है, ठीक है। अब ये बताइए कि ये लिथियम फैसिलिटी हुई कहाँ पर, कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पर, तिरुपति, ठीक है। पहली लिथियम सेल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कह लीजिए या फैक्ट्री कह लीजिए, इसको कहाँ लॉन्च किया गया भारत में, आंध्र प्रदेश आपका तिरुपति में, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ओके। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो है लगभग 2270 मेगावाट पर, ठीक है, MWH में, ठीक है। और ये जो है प्लांट प्रोड्यूस करता है 60% ऑफ इंडियाज प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि भारत की अगर रिक्वायरमेंट जो है, भारत अगर 100 रुपए की रिक्वायरमेंट या 100% की सॉरी रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो इस 100 में से 60% तक अकेले जो है ये जो हमारी यूनिट कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है ये अकेले क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्लियर है ये भी। इसके बाद देखिए जितने भी सेल्स हैं लिथियम सेल्स जो आपके आ रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ यूज होंगे, ये आपके मोबाइल फोन्स में यूज होंगे, ये कान की सुनने वाली मशीन में यूज होगा, ये जितनी भी बॉडी पर वेरेबल डिवाइसेस हैं, लाइक आज की डेट में लोग स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं, राइट, ठीक है, या और भी चीजें लोग मतलब कैरी आउट करते हैं, ठीक है, तो जितनी भी वेरेबल डिवाइसेस हैं उसमें ये होगा। आपको पता होगा अब तो शूज में भी जो है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज आ रही है, राइट। तो जितने भी वेरेबल डिवाइसेस हैं जो मनुष्य जो है वो वेयर आउट कर सकता है, उनमें क्या लगा होगा, लिथियम सेल लगे होंगे, ठीक है,
और करंटली एट प्रेजेंट भारत क्या करता है, इनको इंपोर्ट करता है। जितनी भी रिक्वायरमेंट है, अगर 100% की भी भारत की रिक्वायरमेंट है, तो वो भारत को इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज को, जो है सेल्स को, कहां से, कुछ देशों से, जिसमें सबसे ऊपर आता है हमारा चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम और हांगकांग। यानी कि भारत जो है लिथियम सेल बैटरी के लिए इन चार देशों पर डिपेंडेंट है। किस पर, किस पर? आपका चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम और उसके साथ साथ हांगकांग। तो अगर अभी इंडिया चाहे कि भाई हम ऐसी डिवाइसेस बनाएं जिसमें कि जो कि वेरेबल हो और उसमें हम लिथियम सेल बैटरीज का यूज करें, फिर चाहे मोबाइल फोन से क्यों ना हो, ठीक है, ईयरपॉड से क्यों ना हो, स्मार्ट वॉचेस से क्यों ना हो, तो भारत को पास लिथियम सेल बैटरीज नहीं है। भारत को उन्हें चार देशों से इंपोर्ट कराना पड़ता है, लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो ये यूनिट इंस्टॉल्ड हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे जो है भारत इंडिजीनियसली बना पाएगा, मैन्युफैक्चर कर पाएगा लिथियम सेल बैटरीज को, ठीक है, और उससे जो है उन्हें इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है वो कहाँ पर है, वो गुजरात में है, ठीक है, और वो शुरू कब हुआ था, मई 2022 में, ठीक है। ये चीज हमें देखने की, भाई लिथियम आयन बैटरी प्लांट पहला कहाँ था, गुजरात में, ठीक है, कब शुरू हुआ था, मई 2022 में, और ये जो है ये है लिथियम सेल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, ये भारत का पहला लिथियम सेल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ठीक है। इसके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं लिथियम आयन के, वो किस लिए होते हैं, वो ऑटोमोबाइल्स के लिए होते हैं और एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन के लिए भी होते हैं, ठीक है, क्लियर होगा ये भी, है ना। चलिए आगे चलेंगे, प्लेसेस इन न्यूज पर आएंगे अगर हम, तो प्लेसेस इन न्यूज पर जो जगह न्यूज में है वो है अंगोला, ठीक है, क्या है, अंगोला। क्यों? क्योंकि वहां पर चुने गए हैं यहाँ के नए प्रेसिडेंट, ठीक है, जिनका नाम है जोआओ मैनुअल, ठीक है। तो मतलब पर्सन इन न्यूज में आप जोआओ मैनुअल को ले सकते हो, ठीक है, इनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, जोआओ मैनुअल गोनकाल्विस लॉरेंटो, ठीक है। तो आपको जो है सिर्फ जोआओ मैनुअल लॉरेंटो याद रखना है, हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी ने इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है, ओके, ठीक है, और ये चुने गए हैं, इनफैक्ट री इलेक्ट हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला बोलते से ही आपको देखने यहाँ पर देखना होगा कि भाई अंगोला है कहाँ, तो नामीबिया से हमने लिया था चीता, राइट, नामीबिया के ठीक ऊपर जो है अंगोला आता है, ठीक है, नामीबिया के ठीक ऊपर अफ्रीका में अंगोला आता है, क्लियर है, राइट, ओके, गुड मॉर्निंग ब्रजेश, गुड मॉर्निंग, ठीक है, यहां तक सभी को आई होप क्लियर होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब अंगोला जो है उसकी लोकेशन तो हमने देख ली कि भाई नामीबिया के जस्ट ऊपर है, ये एक साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, जो कि अटलांटिक कोस्ट पर दिखती है, ये देखिए ये जो है आपका पूरा इधर ब्लू वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है, और अटलांटिक ओशन के जो है कोस्ट पर ये दिखता है। इतना ही नहीं, अंगोला की खासियत ये है कि अंगोला जो है वो लास्ट पोर्चुगीज कॉलोनी थी अफ्रीका में, जिसको इंडिपेंडेंस मिली कब, 1975 में, यानी कि ये अंतिम पोर्चुगीज कॉलोनी थी अफ्रीका की, ठीक है, अंतिम पोर्चुगीज कॉलोनी कहाँ की, अफ्रीका की, याद रखना है इसको, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नामीबिया तो है ही, ठीक है, बगल में इसके अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ तो आपको कॉन्गो दिख जाएगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जाम्बिया है और नामीबिया है, ठीक है, ये इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। हाईएस्ट माउंटेन की बात करें अगर हम अंगोला की, तो वो है मोको माउंटेन, ठीक है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, मोको माउंटेन, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 8,596 फीट, ठीक है, अबव द सी लेवल, ओके। तो ये है अंगोला, यहाँ पर चुने गए हैं, री इलेक्ट हुए हैं नए प्रेसिडेंट, तो काफी ज्यादा ये चर्चा में है, राइट। चलो इसी के साथ आज दे रही हूं मैं आपको एक ऐसे कोटेशन, ठीक है, देखिए सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है यूपीएससी क्लियर करने के लिए, है ना, और सर्वांगीण विकास की बात करें तो सिर्फ प्रीलिम्स
या मेंस हमें नहीं क्लियर करना है, ठीक है, हमें इंटरव्यू भी क्लियर करना है, अच्छी रैंक भी पानी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जीएस या ऑप्शनल सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, क्वालिफाइंग इंग्लिश हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा रोज एक स्टेप पढ़े, एक ही दिन 10 सीढ़ियां चढ़ने से बेहतर है, डेली एक सीढ़ी चढ़ते हैं, भार भी नहीं लगेगा, है ना, और आसानी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकेंगे। तो आज का जो है आपके लिए जो टॉपिक है बेसिकली कि भाई एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट रिजल्ट, यानी कि ज्ञान में निवेश जो है वो सर्वोत्तम ब्याज देता है, ठीक है, किसमें निवेश, ज्ञान में। तो आपको कोशिश करनी है इस टॉपिक पे ऐसे लिखने की, और अपना ऐसे लिख के हमारी नेक्स्ट क्लास में जो है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हो, ठीक है, हम देखते हैं आप कैसा ऐसे लिख रहे हैं, ओके, राइट राइट। और उसके अलावा अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो निकालो आईएएस का जो हमारा ग्रुप है, आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो, बिल्कुल देखा जाएगा कि भाई कैसा ऐसे आपने लिखा है। बट हाँ, महीने में अगर एक भी ऐसे अभी से लिख रहे हो ना आप, तो यकीन मानो टिल नेक्स्ट ईयर मेंस एग्जाम आपकी ऐसे पे बहुत जबरदस्त पकड़ हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक आपको यहाँ पर हमारी टीम द्वारा दिया गया है, ठीक है। करंट अफेयर्स क्विज पर आ जाए, ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि भाई 80% ऑफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि 80% ऑफ इंडियाज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है उसमें क्या है, उसमें फॉरेस्ट है, ठीक है। वर्ड्स लिमिट, रमनदीप एक बात बताइए, यूपीएससी में कितने शब्दों का एस्से आता है, और कितने एस्से आपको लिखने होते हैं, ये भी बताइए। क्या बात है रमनदीप, आप डेली लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बताइए बताइए कितने शब्दों का ऐसे लिखना होता है आपको एग्जाम में, 1000 से 1200, और कितने ऐसे लिखने होते हैं, नहीं 1000 से 1200 की वर्ड लिमिट होती है, ठीक है, कम से कम 1000 से 1200 को लिखना पड़ता है, ठीक है, ओके, 2 ऐसे लिखने होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई एक काम ये करना है कि आपको उसी वर्ड लिमिट में लिखना है, ठीक है, और कोशिश करना है कि कहां पर ऐसे दें, निकालो आईएएस वाला जो हमारा ग्रुप है वहां पर अपना ऐसे पोस्ट कर दीजिएगा स्कैन करके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप है हमारा, निकालो आईएएस विद सिद्धार्थ सर, ठीक है, उसमें जो है आप अपना @@adyamam करके जो है उसको पोस्ट कर सकते हो, आपका ऐसे मैं देख लूंगी, मेंशन कर देना, बस टैग कर देना मुझे, ठीक है। तो 80% ऑफ इंडियाज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है भारत का, वहां पर क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, ठीक है, जबकि सिर्फ 5% जो है भारत की ग्रासलैंड्स है या ओपन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है, चलो ओके। तो ये चीजें देखनी है आपको, और जो हमारी IUCN स्टेटस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 3 स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर दिए हैं आपको, और तीनों स्टेटमेंट जो है फॉरेस्ट से रिलेटेड है, बट ऊपर नीचे करके, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे है ये सारे स्टेटमेंट, 19-20 का फर्क है। पहले में जहां पर फॉरेस्ट की बात की जा रही है, दूसरे में आपकी प्रोटेक्टेड एरिया की बात की जा रही है, और तीसरे में जो है बात की जा रही है आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने की, ठीक है। तो आपको बताना कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, A1 and 2 ओनली, B2 and 3 ओनली, या C1 and 3 ओनली, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैम आई एम अ FEA स्टूडेंट, इट डेवलप्स ग्रामर, लैंग्वेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके। प्रतिमा जी आपने क्या मैसेज किया है, दो आपने यही बताया ना कि भाई दो जो है वो आते हैं। गुड मॉर्निंग प्रतिमा, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है प्रतिमा, आपका मैसेज भी क्लियरली शो हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, ओके, चलिए राइट। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर सभी लोग देंगे, सिर्फ और सिर्फ रमन सॉरी संदीप ने आंसर दिया है। भाई पहले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर, उसके बाद जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है
फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड, भारत के अंतरराष्ट्रीय ट्रेड व्यापार और इंडस्ट्रीज इन इंडिया से रिलेटेड है। गुड मॉर्निंग रूबी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखिए भारत जो है ग्लोबल ट्रेड में आज भारत का शेयर कितना है, 4%, जो कि काफी कम है। किसके मुताबिक, चाइना के मुताबिक, जो कि अमाउंट करता है लगभग 15% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। यानी कि वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर लगभग लगभग 15% का ट्रेड अकेले कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, जबकि एज कंपेयर टू चाइना हम सिर्फ और सिर्फ 4% का ही ट्रेड कर रहे हैं, है ना। ठीक है, इंडिया जो है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है ट्रेड पिलर किसका, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, जिससे कि उसने 4 पिलर साइन किए हैं ऑफ द IPEF के। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत ने साइन किया है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किसके साथ, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भारत ने क्या किया है, एक FTA साइन किया है। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP ग्रुप का, भारत मेंबर नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, ABCD क्या लगता है आपको। ठीक है, चारों है या फिर ए है 1, 2, 4 ओनली, बी है 2, 3 and 4 ओनली, सी है 3 and 4 ओनली, ठीक है, या फिर डी है 1, 2, 3 and 4 ओनली। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल पर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कब फॉर्म हुआ था, 1947 में। ठीक है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसके पास क्या होता है, इनका प्राइमरी कंसर्न है कि भाई नॉर्थ ईस्ट का जो सिक्योरिटी है वो बरकरार रहे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बोथ द चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स आर इंक्लूडेड एज मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर प्लस वहां के गवर्नर जो है वो दोनों ही काउंसिल के मेंबर्स के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया था कब, 2002 में, और उसमें जो है रोल चेंज हुआ था, जो उसका रोल पहले एडवाइजरी बॉडी का था वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बॉडी का बन गया फॉर दैट रीजन। यानी पहले जहां पर उनका काम था एडवाइस करना, अब उनका काम हो गया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्लानिंग कराते हैं रीजन। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, A1 and 2 ओनली, B1 and 3 ओनली, C2 and 3 ओनली, या फिर D1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है, फटाफट से इनके आंसर दीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 के आगे चल के हम इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई आज का स्कोर आप लोगों का कितना रहता है, राइट। और अब आएंगे हम प्रीलिम्स प्लस मेंस अप्रोच पर, यानी कि दोनों को साथ लेकर चलने की बात पर, क्योंकि अक्सर जो है जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, मुझसे लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम एक बात बताइए, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की। जो भी बच्चा तैयारी शुरू करता है ना, उसके मन में बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि पहले प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, तैयारी हमेशा मेंस स्पेसिफिक करनी है, प्रीलिम्स तो मतलब उसके साथ साथ ही हो जाएगा। प्रीलिम्स पर फोकस हमें जो है, न्यूज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बस हमें ये देखना है कि उनमें से क्या चीजें जो है वो प्रीलिम्स लेवल की हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जब हम प्रीलिम्स एग्जाम के नजदीक होते हैं उस टाइम पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होती है। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका अप्रोच हमेशा प्रीलिम्स प्लस मेंस का होना चाहिए, सिर्फ प्रीलिम्स या सिर्फ मेंस का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो, कल भी इस न्यूज के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है लॉजिस्टिक्स के ऊपर जो है क्या लॉन्च किया है, पॉलिसी लॉन्च की है, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 वाली, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 जो है वो लॉन्च की गई है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो इमर्ज हो रहा है एज दी मैन्युफैक्चरिंग हब। अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो चीजों का आदान प्रदान भी तो होगा ना, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चीजें जाएंगी, तो आदान प्रदान के लिए क्या करना होगा हमें, आदान प्रदान के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए जो है हमें काम करना पड़ेगा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे, लॉजिस्टिक्स जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। ठीक है, ये जो पॉलिसी है ये एक बिगनिंग है। ठीक है, और पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस जो है वो होगी प्रोग्रेस को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे कितने सालों से, 8 सालों से, 8 वर्षों से कार्य हो रहा था।
8 वर्ष से इसके पीछे काम हो रहा था कि भाई एक पॉलिसी ऐसी हमें लानी है जहां, और 13 से 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको जो है हमें कम करना है। टारगेट यही है लॉजिस्टिक पॉलिसी का कि जो 13 से 14% का जो पूरा का पूरा कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, जो लागत लग रही है, इसको जो है चेंज करके हमें सिंगल डिजिट में लाना है। किसमें लाना है? सिंगल डिजिट में, यानी कि इस पर हमें काम करना है सो दैट ये लागत जो है, जो 13 से 14%, देखिए 1 और 3 डबल डिजिट हो गया ना, ठीक है, 2 डिजिट्स हो गए, इनको जो है सिंगल डिजिट में लाया जाए, ये कार्य जो है करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इसीलिए ये पॉलिसी लाई गई है, ठीक है। और कल जो है इस पर गति शक्ति मिशन का जो है लॉजिस्टिक्स जो है एक पार्ट भी है, सभी को पता होगा, ठीक है। तो गति शक्ति मिशन के उस पर जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल रमनदीप, ये कल वाली न्यूज का ही जो है उसी में आगे जोड़ा गया है, ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है। कल इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज एक्चुअली क्या हुआ कि आज जो न्यूज है उसमें कि कुछ ई बुक्स लॉन्च की गई हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर, ठीक है, इसलिए जो है इसे हमें फिर से चर्चा में लाना पड़ा है, क्यों, क्योंकि कुछ ई बुक्स लॉन्च की गई हैं। अब देखो, दो दो तीन तीन दिन अगर लगातार न्यूज आती रहेगी तो उसे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, है ना दोस्त, ठीक है, चलो तो उसको देख लेते हैं कि भाई हाल ही में सरकार ने जो ये पॉलिसी शुरू की है उसका उद्देश्य क्या है। तो भाई उद्देश्य है कि अंतिम छोर तक त्वरित वितरण करना है और साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त भी करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हमें सॉल्व करना है, किसके थ्रू, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। इसमें जितने भी संसाधन, लोग, कच्चे माल, सूची उपकरण आदि जो है उनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना और उत्पादन बिंदुओं से उपभोग वितरण या नियोजन समन्वय भंडारण प्रक्रिया शामिल है, मतलब कि उस किसी भी प्रोडक्ट के जो है पैकेजिंग हो गई, ठीक है, उसकी उसको रखना हो गया, उसको प्रिजर्व करना हो गया, फिर उसको दूसरी जगह ले जाना हो गया, फिर वहां उतारना हुआ केयरफुली, उसको वहां पर जो है डिलीवर करना हुआ, देन उसको अनपैक करना हो, ये तमाम पूरी की पूरी प्रक्रिया और ये सब कुछ जो है ये इसी पॉलिसी के अंडर आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि लॉजिस्टिक्स शब्द जो है इसके अंदर दो तीन चीज आती है, एक अधिग्रहण, एक भंडारण और एक वितरण, ठीक है, ये तीन चीजें, यानी कि उसको लेकर के उठा करके पैकेज करके ले जाना, उसको स्टोर करना एंड देन उसको फिर डिलीवर करना, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर रहती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है हमें, ठीक है। अच्छा, तीन मॉडल्स पर जो है ये केंद्रित है, पूरी की पूरी हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है वो तीन मॉडल्स पर केंद्रित है, यानी तीन मॉडल्स पर स्टैंड आउट करती है। कौन कौन सी? पहली है हमारी प्रोसेस री इंजीनियरिंग की, ठीक है, दूसरी है डिजिटाइजेशन की, और तीसरी है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की। किसकी किसकी? यहां लिख भी देती हूं मैं, प्रोसेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की नंबर वन, नंबर टू है आपकी डिजिटाइजेशन की, ठीक है, और नंबर तीन है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की। तो ये तीन पॉलिसीज आपकी जो है, सॉरी, तीन पिलर्स है किसके? लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के, ठीक है, इन तीनों को याद रखना, ये तीन याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस जो पॉलिसी है इसकी मदद से जो मेन टारगेट था वो यही था कि जो डबल डिजिट कॉस्ट लग रहा है उसको हमें सिंगल डिजिट में लाना, यानी कॉस्ट कम करना है, ठीक है, कटौती करना है, और जितने भी घरेलू उत्पाद है बेसिकली उनका जो लगभग 14-15% का कॉस्ट आ रहा है, 2030 तक जो है इसमें हमें लगभग लगभग 8% यानी 8% की कमी करनी है, अप टू 8% हमें इसको कम करना है, ठीक है। और तो देखिए, भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हो गई है, तो इस नाते भी भारत का लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का काम दिया गया है, ठीक है।
राइट, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, नीति का महत्व तो क्या है? ऑब्वियसली पीएम गति शक्ति से जो है ये शुरू किया गया है, तो वो इसको बढ़ावा भी देता है और कहीं ना कहीं पूरक भी करता है, राइट। फिर जो देखिए, इस नीति के वजह से जो है देश में एकीकृत होगी, लागत कुशल होगा, ठीक है, प्रोसेस पूरा का पूरा इजी और लचीला हो जाएगा, ठीक है, तो इन सब चीजों में जो है आसानी रहेगी भारत को। इसके अलावा ये नीति जो है भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाएगी, यानी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी एक नया बूस्ट देगी, ठीक है, क्योंकि पहले लॉजिस्टिक्स की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहुंच नहीं पाते थे, बट अब जो है उनके डिलीवरी में, उनके ट्रांसपोर्ट में इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। और लॉजिस्टिक से पहले भारत में इससे पहले भी कुछ पॉलिसीज आ चुकी हैं, कौन कौन सी हैं देख लीजिए, माल का बहुविध परिवहन, पीएम गतिशक्ति योजना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, लीड्स, ये सारी तमाम चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड हम आपको दे देते हैं मेंस का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भाई गतिशक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी, डिस्कस इट, ठीक है। यानी कि गतिशक्ति योजना को, कनेक्टिविटी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सावधानी पूर्वक समन्वय की आवश्यकता है, विचार और विमर्श करिए। मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन हमारा इस बार के एग्जाम में भी आ चुका है, राइट। तो यहां भी आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो प्लीज इसको जो है देख लेना और कोशिश कर लेना कि इस पर एक आंसर देख करके बढ़िया सा रख लो, ठीक है। यू नेवर नो, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है लॉजिस्टिक्स मिशन, ठीक है। गतिशक्ति मास्टर प्लान का ये पूरा पारिचय है, बेसिकली देखो रोडवेज को जो है कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 200 नए एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम्स को जो है बनाने की बात चल रही है, रेलवे ट्रांसपोर्ट में कार्गो कैपेसिटी को बढ़ाने की बात चल रही है बाई फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी बढ़ाए जाने की बात कर रही है, इसके साथ साथ रिन्यूएबल कैपेसिटी पर भी काम किया जा रहा है और 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी जो है बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। और हमारी अगली न्यूज जो है वो है किस पर? ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारी न्यूज है, ठीक है, और न्यूज है हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून के ऊपर, राइट। देखिए दोस्त, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है ना जहां पर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिसीज, स्कीम्स, आपका ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये तमाम चीजें, साइंस एंड टेक में जो भी चीजें हो रही हैं, ये सब कवर करता है। सो करंट अफेयर्स इज नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट, रादर इट कुड बी, यू कैन से इट्स अ खिचड़ी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट, ठीक है। तो हमारी जो अगली न्यूज है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से रिलेटेड है। क्या है न्यूज? साउथ वेस्ट मॉनसून आ रहा है? जी नहीं, साउथ वेस्ट मॉनसून का जो है वो अर्ली विड्रॉल हो गया है, यानी कि समय से पहले ही ये देखा जा रहा है कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो वापस जा रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग रूपा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और इसका अर्ली विड्रॉल सबसे पहले कहां देखा गया है? राजस्थान में देखा गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, साउथ वेस्ट मॉनसून तो आ गया, ठीक है, अब जा रहा है, ठीक है, पहले तो आया होगा, तो कैसी रही इस वर्ष की वर्षा? ठीक है, इस वर्ष जो है जो बारिश हुई है, जो वर्षा का स्तर है, ठीक है, इस वर्ष की वर्षा का क्या हालचाल रहा? ठीक है, कोई आइडिया है? मतलब सूखा रहा, कम बारिश हुई, ज्यादा बारिश हुई, क्या हुआ होगा बताइए जरा। हाँ जी, देखिए जब हम वर्षा की बात करते हैं तो इस वर्ष में मोर देन 7% रेनफॉल, जो एक ऑर्डिनरी रेनफॉल होती है, ठीक है, उससे 7% ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। 7% मोर रेनफॉल हैज बीन रिकॉर्डेड बाई इंडिया देन नॉर्मल, ठीक है, ओके, ये चीज हुई है। और अब उसके बाद जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो यहां से आता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब किस तरीके, किस एरिया से आ रहा है? अगर साउथ से आ रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है तो उसको हम साउथ कहेंगे। जी हाँ, ज्यादा हुई है, वेरी गुड। नहीं 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 विमल, कम बारिश नहीं हुई है, 7% ज्यादा बारिश हुई है, ठीक है, यार रिपोर्ट्स बता रही है हमारी, आदर्श नॉट प्रिडिक्टेबल नहीं है, रिपोर्ट्स बता रही है यहाँ पर कि इंडिया ने इस बार 7% मोर रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड किया है, ठीक है। और जो स्पेशली कहाँ पर?
सदर्न पेनिनसुला या सेंट्रल पार्ट्स के पास जो है बल्क ऑफ एक्सेस है, लाइक 29% या फिर 33% भी, ठीक है। सिर्फ अगर कम बारिश हुई है तो कहाँ हुई है, वो हुई है हमारे रीजन में, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में, या फिर मणिपुर में जो है कम बारिश हुई है, इन तीन स्टेट्स में बारिश कम हुई है, ठीक है। तो ये चीज देखनी है। अब शुरू क्या हुआ, तो इसका अर्ली विड्रॉल शुरू हो गया राजस्थान से, ठीक है, ओके। ये चीजें हमारी देखी जा रही है, ठीक है। तो देखिए, जो मॉनसून विड्रॉल होता है जनरली इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, ठीक है, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस बार जो है ये पहले ही होने लग गई है, और हर साल में 30 सितंबर के आसपास ये प्रक्रिया शुरू होती है, बट इस वर्ष जो है ये आज क्या डेट है, आज आपकी 22 सितंबर है, और कल ही मतलब जो है न्यूज जो है हमारे न्यूज पेपर में, आज सुबह जो न्यूज पेपर में न्यूज आई होगी वो ऑब्वियसली कल की होगी, तो 21 सितंबर को ही आप यहाँ पर जो है देख सकते हो, है ना, राइट। गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखनी है, ओके। ये मैप अगर देखोगे तो ये जो लाइन्स आपकी बनी हुई है ब्लैक वाली, राइट, ये है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी किधर से आ रहा है, किस तरफ जा रहा है। अगर भाई ऊपर से आएगा ऐसे तो क्या कहेंगे उसको, जरा कमेंट करके बताइए। इफ जो मॉनसून है हमारा वो ऐसे आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बताइए बताइए। मैंने जो डायग्राम बनाया है इस मॉनसून को हम क्या कहेंगे, देखो इसलिए मैंने डायग्राम बनाया, इसलिए मैंने लाइंस बनाई है यहाँ पे, सो दैट आपको पता चल सके कि भाई मॉनसून जो है उसकी क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट हम किस आधार पे कहते हैं, ठीक है। बताइए फटाफट मयंक ने कहा है नॉर्थ वेस्ट, जी बहुत सही, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, वेरी गुड, ठीक है। तो साउथ वेस्ट वाला साउथ की तरफ से आ रहा था, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से आ रहा था, और नॉर्थ वेस्ट वाला नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगली न्यूज जो हमारी है वो किससे रिलेटेड है, वो ईसिम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जितनी भी देखिए अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, जिसका नाम है एप्पल, राइट, एप्पल के आईफोन सबके पास होते हैं, किसके पास नहीं होते, मैम के पास नहीं होते, मैम नहीं रखती है, ठीक है भाई। तो एप्पल जो है वो एक मोबाइल नेटवर्क जो है उसको उस तक पहुंच करके उसको बढ़ाने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए भौतिक सिम स्लॉट या ई सिम के बिना बाजार में उतरा जा के बिना ही बाजार में उतरने जा रहा है। यानी कि आपको पता है कि एप्पल के फोन्स में, आईफोन्स वगैरह में ई सिम्स लगते हैं, राइट, बट अब ये हो रहा है कि ऐसे मोबाइल नेटवर्क तक हमें पहुंचना है जहां पर ई सिम के बिना ही हम डायरेक्ट मार्केट में उतर जाए, ठीक है। क्या है ये न्यूज, चलिए पहले तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो ई सिम सबसे पहले भारत में कब आया, 2012 में आया, कब आया, 2012 में उपयोग किया गया था, ठीक है। ई सिम जो है ये एक एम्बेडेड सिम होता है, ठीक है, जो एक नियमित सिम कार्ड चिप के समान हार्डवेयर में स्थायी रूप से एम्बेडेड होता है, ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ठीक है, फोन्स में इनबिल्ट होते हैं। अब पारंपरिक सिम कार्ड की तरह ई सिम में भी कुछ घटक होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, कौन कौन से, देखिए जो फोन के आंतरिक भागों का हिस्सा होता है, यानी कि ये इंटरनल होता है, इंटरनल बिल्ट होता है, ऊपर से नहीं होता, किसको हमें ऊपर से नहीं लगाना है, ठीक है। और इनका कार्य भी ऐसा ही होता है, जितने भी आप दूर संचार या टेली ऑपरेटर्स देखोगे या अन्य उपभोक्ताओं के लिए देखोगे, उनके लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में ये कॉल करते हुए, जब आप कॉल करते हैं या टेक्स्ट भेजते हैं तो आपका जो स्मार्टफोन होगा, ठीक है, उस तक जो है ये पहुंच जाता है। जो मदरबोर्ड होती है, ठीक है, हमारे फोन में भी मदरबोर्ड होती है, आप सभी को पता होगा, उससे जुड़ा होने से जितनी भी रीप्रोग्रामिंग की भी अनुमति होती है इसको, ठीक है, ओके। तो ये चीज समझनी है, फायदा क्या है ई सिम का, तो सबसे बड़ा तो ई सिम भाई खोने का जोखिम ही नहीं रहता, क्योंकि वो इंटरनली बिल्ट होता है, हम उसको ऊपर से नहीं डालते हैं फोन में, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, वो ऑलरेडी जो है इसमें रहता है। और खो जाने के बाद भी
सोशल मीडिया या बैंक खातों के में सेंध लगने के लिए हमलावर आपके फोन का उपयोग नहीं कर सकते। अगर आपका फोन खो भी गया तो भी वो नहीं यूज कर सकते, ठीक है, राइट। तो ये चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ई सिम से रिलेटेड इसको ध्यान में रखना है। इसका नुकसान क्या है, देखिए कभी कभी इमरजेंसी में अगर आपका फोन काम करना बंद कर देता है या गिर जाता है या स्क्रीन टूट जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो आप जो है ई सिम के साथ दूसरे फोन में नहीं लगा सकते। यानी कि अगर मेरा ये फोन है, लेट्स से भाई वैसे तो आईफोन नहीं है, नॉर्मल सा फोन है मेरा, ठीक है, अगर ये फोन मेरा गिर जाता है या टूट जाता है तो, और मैं चाहूं कि भाई मैं इसमें से अपना सिम निकाल करके मैं दूसरे फोन में लगा लूं कुछ टाइम के लिए, वो पॉसिबल नहीं होता है ई सिम के केस में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इमरजेंसी के सिचुएशन में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ई सिम का, ठीक है। और ई सिम को सपोर्ट न करने वाले देशों में अनुपयोगी जो है क्या चीजें हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ई सिम जो है फोन का उपयोग उस देश में नहीं किया जा सकता जहां पर दूर संचार ऑपरेटर अभी तक तकनीक का समर्थन नहीं करते हैं। यानी कि मेरे पास अगर ई सिम है, ठीक है, मेरे एप्पल के फोन में, और मैं किसी ऐसे देश में घूमने चली गई जहां पर ई सिम नहीं है, मतलब ई सिम का जो प्रोसेस है वो अपग्रेड नहीं हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, मुझे एक छोटा सैमसंग गुरु वाला जो फोन है वो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसमें तो सिम लग ही नहीं पाएगी, राइट, वो नंबर तो मेरा काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि भाई कैसे इसको हमें करना है, ठीक है। और यूएस संस्करण का जो आईफोन 14 है वो केवल ई सिम का समर्थन करता है, और ऐसे उपकरणों में ये समस्या देखी गई है। यानी जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ, अभी परसों नरसों की कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, मैं कहीं से जा रही थी और वहां रास्ते में एप्पल का फोन था, सॉरी एप्पल का शोरूम था, ठीक है, और वहां पर एक बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी, बहुत ही लंबी, मतलब ये लगा लो कम से कम 50 लोग तो शोरूम के बाहर लाइन में लगे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों लाइन लगाई आप लोग, तो उन्होंने बोला तुम्हें पता नहीं है कि एप्पल का नया फोन जो है, नई सीरीज 14 जो है वो लॉन्च हुई है, क्या लॉन्च हुई है, भगवान जाने। तो मतलब आप ये देखो कि क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग बाहर तक लाइन लगा रहे हैं। लेकिन एक ये जो ई सिम वाली चीज है ये कितनी प्रॉब्लमेटिक है, अगर लेट्स से गॉड फॉरबिड आपका फोन चोरी हो जाता, आपका फोन टूट जाता है, कैसे यूज करोगे, जाओगे ना मांगने मदद किसी से। यहाँ पर तो भाई ये कि चलो हम ऑर्डिनरी फोन यूज कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने इसका सिम निकाला फिर और लगा दिया, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है, ई सिम वाले केस में। बट ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ाई जा रही है, टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है एप्पल, कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, वो अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, तो वो इतना काम कर सकती है कि भाई इसका भी तोड़ निकाल करके दे दे, ठीक है, राइट। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा हिंदी साहित्य बैच जो है वो कल ही नया बैच लॉन्च हुआ है, तो जिस भी बच्चे का हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप ये बैच ले सकते हो, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं, इस कोर्स की फीस आपको नॉर्मली 23,999, ठीक है, दिखेगी, ठीक है, बट अगर आप मेरा कोड यूज करोगे यहाँ पे Y573 तो आपको ये कोर्स महज कुछ 5,000 रुपए में पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने आंसर्स की तरफ, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो पहले का आंसर है डी, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत का 80% जो है एरिया वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है फॉरेस्ट का, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा कह रहा है कि एज अ रिजल्ट सिर्फ 5% जो है इंडिया के ग्रासलैंड है और ओपन फॉरेस्ट जो है वो है जो कि प्रोटेक्टेड भी है, ओके। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इकोसिस्टम जो है वो वाइटल है फॉर सर्वाइवल ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी लाइक दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकॉन और इंडियन वोल्फ डू नॉट एंजॉय सच लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, पहले का था डी, एक बार बताइए आप लोगों का सही है कि गलत है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं जहां पर भारत और चाइना की बात की गई थी, तो चाइना का शेयर ग्लोबल ट्रेड में आज 15% है जबकि इंडिया जो है वो कितना देता है, सिर्फ और सिर्फ 2% ट्रेड, 4% भी नहीं है। क्वेश्चन में आपके 4% दिया था, ये गलत था, ठीक है, तो सिर्फ 2% ट्रेड इंडिया का रहता है। दूसरी चीज, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है ट्रेड पिलर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ज्वाइन करने से, ठीक है, और जो है तो इंडिया ने नहीं इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ज्वाइनिंग द 3 अदर पिलर्स जो इसके थे, सप्लाई चेन, टैक्स, एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी, इन पर अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है। और इंडिया ने कंक्लूड किया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूएई, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही
स्टेटमेंट था एंड अलॉन्ग विद दैट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ग्रुप, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है कुछ लाइंस यहाँ पर हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत ही था, राइट। तो ये चीज देख लीजिए, बताइए भाई किसका किसका सही हुआ है, कोई है जिसका सही हुआ है? हाँ जी, रमनदीप का सही हुआ है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग विनीत, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा आंसर था, तीसरे पर आ जाते हैं जहां पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो गठन था वो कब हुआ था? 1971 में एज एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो गवर्नर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के। ठीक है, देयर बाय रिमेनिंग एज दी ईयर्स एंड आईज, क्वेश्चन में क्या था? गवर्नर, क्वेश्चन में था गवर्नर एज वेल एज सीएम। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि देखो जहां भी आपके क्वेश्चन में वर्ड्स होंगे बोथ ओनली, ठीक है, ये गलत ही होते हैं ज्यादातर केसेस में, एलिमिनेशन टेक्निक से हमें पता चलता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये जो ओरिजिनल प्लेज है कि भाई सिक्योरिटी को प्राइमरी कंसर्न बनाना है, ये भी देख लिया हमें। ठीक है, 2002 में एक्ट लाई गई थी एनईसी, ठीक है, इसको अमेंड किया गया था। ठीक है, एडवाइजरी रोल से ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बॉडी फॉर द रीजन बन गया था, ये बिल्कुल सही है। और सिक्किम जो है उसने लाया था इसमें चेंजेस, सिग्निफिकेंटली एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर एक्सपैंड किया गया और इंक्लूड किया गया किसको? चीफ मिनिस्टर ऑफ दी स्टेट्स। ठीक है, लिंकिंग टू दी एस्पिरेशंस ऑफ लोकल इलेक्टोरेट्स, जो लोकल लोग चुने जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो बताइए कितने सही हुए किसके? हाँ जी, क्या स्कोर रहा, स्कोर का क्या मतलब, हालत क्या है स्कोर की? प्रियंका का ओनली वन करेक्ट, ठीक है, रमनदीप टू राइट है जी। ठीक है, थर्ड वन रॉन्ग हो गया, ओके कोई बात नहीं। मतलब कि ये बताइए कल से स्कोर कुछ इंप्रूव हुआ है आप लोग का या सेम है? सिर्फ दो तीन बच्चों ने ही अपने स्कोर बताए, भाई कल समझाया भी था मैंने आपको, स्कोर बताने में समझाओ मत उसको, जितना ज्यादा एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, साइको किलर का एक सही है, ठीक है, साइको किलर कल भी आपका एक ही सही था शायद, राइट। हिमानी यादव का भी एक है, ठीक है, मतलब कि हम सेम लेवल पर हैं लगभग। ठीक है, ओके, कोई ऐसा है जिसका कल स्कोर जीरो था और आज जो है खाता खुला हो? कोई ऐसा बच्चा जिसका कल जीरो स्कोर था बट आज खाता खुल गया हो? अगर ऐसा है तो भाई बहुत बहुत बधाई आपको, लिटिल इंप्रूवमेंट है रमनदीप की जी, आप एक से दो पर आए हो, बहुत अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोशिश करनी है कि भाई एक महीने के अंदर या दो महीने तक हम अपना जो है ये स्कोर तीन में से तीन कर सके। प्रियंका मैम मेरी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना आज का स्कोर जो है नोट डाउन कर लो। ठीक है, कल देखेंगे कल कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की। हिमानी का मैम मेरे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दो दिन से ये एक भी राइट नहीं हो रहा संदीप का, ठीक है, कोई बात नहीं। संदीप आपको जरूरत है कि भाई जो स्टेटमेंट्स लिखी है ना उसमें जो गेम छिपा हुआ है उसको पहचानो, ठीक है, वहां से आपको होगा। कल रमनदीप का एक था, यस आई रिमेम्बर रमनदीप, कल आपका एक था, आज दो हुआ है, बहुत अच्छे। ठीक है, देखो आंसर हमारी आंखों के सामने है, ठीक है, मेंस में तो ये होता है ना कि हमें अपने दिमाग से पूरा आंसर लिखना होता है, बट यहाँ पर प्रीलिम्स में आंसर हमारी आंखों के सामने ही है, हमें बस उसको ढूंढना है, पहचानना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो बहुत मतलब एक एक वर्ड जो है आपको स्टेटमेंट का पढ़ना चाहिए, फिर ही डिसाइड होना होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग रोहन, गुड मॉर्निंग, ओके। तो ये हमारे तीन क्वेश्चन के आंसर थे, आई होप समझ आ गया होगा, किसी को कुछ डाउट है तो फिर भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा महापैक जो है यूपीएससी का महापैक आप देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, राइट राइट, यहाँ आ जाते हैं हम। तो जैसे ही आप अड्डा की वेबसाइट पर आओगे और कोर्सेज में जाओगे, यहाँ आकर के यूपीएससी में जाओगे, यहाँ दिखेगा आपको यूपीएससी का महापैक। ठीक है, यूपीएससी के महापैक में आएंगे, दो महापैक्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, राइट, एक है प्रीमियम और दूसरा था नॉर्मल वाला। ठीक है, तो हम गए हैं प्रीमियम महापैक में, प्रीमियम महापैक में आपको मिलते हैं 1500 आवर्स की क्लास, 164 टेस्ट सीरीज, यार 164 टेस्ट सीरीज बहुत होती है, ठीक है, और 586 वीडियोस अलोंग विद दैट। इसमें आपको जो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर देते हैं वो है ये, देखिए
वन टू वन डिस्कशन विथ योर फेमस फैकल्टीज, यानी फैकल्टीज के साथ वन ऑन वन डिस्कशन आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है ओके। तो ये चीज आपको देखनी है, और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आता है तो ये जो नंबर्स दिए हुए यहाँ पर आप इस नंबरों पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और आपको इतना ही नहीं, यहाँ पर हम एक सेशन आईएएस ऑफिसर के साथ भी कराएंगे वंस अ मंथ, ठीक है। तो कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, वो तमाम चीजें, और उनके साथ साथ ऐसा नहीं कि इसमें पढ़ाई कुछ भी नहीं है भाई, पढ़ाई है, पढ़ाई भर भर के है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे जितने भी बैचेस और जितने भी हमारे नए बैचेस आते जाएंगे, लाइक सीसैट, फाउंडेशन, मेंस आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, एथिक्स, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आईआर वगैरह जितना भी है, ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो करंट अफेयर्स का मेरा कोर्स भी है, ठीक है, मेंटोरशिप बैच भी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जितने भी कोर्सेज यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, वो सब आपको मिल रहे हैं यूपीएससी सीएससी महापैक के अंदर, ठीक है। प्राइस देखोगे तो लगभग 82,000 का प्राइस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा प्राइस है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर कूपन कोड डालना है, मैम का कोड डालोगे Y573, ठीक है, और इसको जैसे ही अप्लाई करोगे आप इस कोड को, आपको ये कोर्स मिलेगा कितने में, मात्र और मात्र 8,859 रुपए में ये कोर्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन भाई आप इतने में भी मत लो, लिटरली मत लो, हम चाहते हैं आपको इस पे इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिले। तो आपको इसको लेना है कहाँ से, अड्डा की ऐप से जाकर के आपको इसको परचेज करना है, और इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब ये लगा लो 18,300 रुपए के आसपास का ये आपको पूरा कोर्स पड़ेगा, ठीक है ओके। तो इस तरीके से जो है आप इस कोर्स को, इस बैच को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर देखा जाए तो आपकी प्रीलिम्स से रिलेटेड जितनी भी तैयारी है मेंस में, एक्सेप्ट ऑप्शनल और टिल इंटरव्यू तक आपको हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो सोचिए मत, फटाफट से जो है इसके लिए एनरोल कर लीजिए, ठीक है। और कल मिलेंगे इसी वक्त पर सुबह 7 बजे ही, लेकिन एक बार आपको मैं और भी कोर्सेज दिखा देती हूँ, ठीक है। ये तो था भाई हमारा महापैक, राइट। महापैक के अलावा अगर आप आओगे ऑल कोर्सेज में जाओगे, यूपीएससी में आओगे, ठीक है, यूपीएससी सीएससी में आएंगे अगर, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, आपको हिंदी साहित्य का वैकल्पिक बैच भी दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा फाउंडेशन बैच अभी कल ही शुरू हुआ है, ठीक है, सॉरी 19 तारीख को शुरू हुआ, तो ये भी दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी आपको तमाम फैसिलिटीज मिल रही हैं, ठीक है। स्टडी प्लान पूरा का पूरा दिया गया है, 900 आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं, राइट। 42,000 का कोर्स पड़ रहा है, है ना, 42,000 में बहुत ज्यादा प्राइस लगेगा, राइट, कोई बात नहीं। यहाँ भी कोड अप्लाई करिए 573, जैसे ही कोड अप्लाई करोगे आप देखो ये कोर्स भी आपको पड़ गया कितने का, सिर्फ और सिर्फ 9659 का। मत लो इसको भी, आप अड्डा की ऐप से लो, और 500 रुपए इस पर भी कम हो जाएंगे, लगभग 9,100 समथिंग का ये कोर्स पड़ेगा। तो यानी कि 78% तक का आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से आपको जो है इस कोर्स को देखना है, और अगर लगे कि भाई हमारी तैयारी नहीं हो रही है, हमारी तैयारी वेग जा रही है, तो बिल्कुल भी मत कुछ सोचो, फटाफट से आओ एनरोल करो, ठीक है, कोर्स कोर्स लगाओ मैम का, एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ, और हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही है पेड क्लासेस जो है आप उसका पार्ट हो सकते हो, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।